लेकर जो अभी सरकार ने कोरोना के दौरान ये यूपीएससी एनडीए का एग्ज़ाम लिया है, तो ये सही है? एक तरह से देखा जाए तो सही भी है और गलत भी है। सही तो नहीं है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, एग्ज़ाम तो देना होगा। नहीं देखिए, एक तरफ से डेमो ही हो रहा है, एक तरह से देखा था तो सही है, क्योंकि टाइम झूठा मतलब ज्यादा स्पेंड हो जाता। देखिए वैसे तो हम इस फ्रंट चाह रहे थे कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। जोहार, मैं बबीता भेंगरा, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज 9। सरकार ने जो कोरोना बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौर में यूपीएससी एनडीए की परीक्षा लेने की जो निर्णय लिया वो सही है या नहीं, आइए हम छात्रों से बात करते हैं कि कोरोना गाइडलाइंस को लेकर अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से उन्हें एग्ज़ाम लिखाए जा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। लेकर जो अभी सरकार ने कोरोना के दौरान ये यूपीएससी एनडीए का एग्ज़ाम लिया है, तो ये सही है? एक तरह से देखा जाए तो सही भी है और गलत भी है। गलत कैसे है? कैसे, मान लीजिए कोरोना में एग्जाम बच्चा दे रहा है, इसमें और भी रिक्स भी है, मान लीजिए इसमें किसी इथी हो जाए, इसमें हम जो यहाँ पर व्यवस्था है वो वहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन है और मास्क सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, हर एक थोड़ा सा अच्छा है। आपने कैसे एग्ज़ाम को लेकर कैसे तैयारियाँ की थी? अच्छी थी तैयारी, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा था। जैसे आपने पढ़ाई की थी, स्टडी की थी, वैसे क्वेश्चन आए थे या थोड़ा हटके आए? 90% क्वेश्चन वैसे ही थे, 10% क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर था। सही तो नहीं है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, एग्ज़ाम तो देना होगा। एग्ज़ाम को लेकर तैयारी तो ठीक ही था, एग्ज़ाम भी अच्छा ही गया है। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर अंदर क्या कुछ व्यवस्था है? व्यवस्था तो अच्छे हैं, सब चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग में है। नहीं देखिए, एक तरफ से डेमो ही हो रहा है, कि जैसे बोर्ड में सरकार बोल रही है कि एग्ज़ाम करवाएंगे, तो आप देख सकते हैं अभी कोई रूल पालन नहीं हो जा रहा, लोग लाइन से नहीं आ पा रहे, मतलब लाइन तोड़ तोड़ के आ रहे हैं, वैसा कि सरकार एकदम मतलब डिस्टेंसिंग उतना नहीं मेंटेन हो पा रहा। नहीं देखिए, वैसे सब सैनिटाइज, मास्क सब कुछ है, लेकिन एक होता है डिस्टेंस बना के चलना, वो नहीं हो रहा। आप क्या कहना चाहेंगे कोरोना गाइडलाइंस के दौरान, कोरोना के दौरान जो एग्ज़ाम हो रहे थे? हम पोस्टपोन करना चाहिए था, लेकिन अब हो गया तो हम लोग को देना है ही है। कैसी तैयारियां की थी आपने एग्ज़ाम को लेकर? नहीं, हम उस टाइम कुछ खास नहीं पाया था, जिस टाइम होना चाहिए था ना, जिस टाइम तैयारी में होना चाहिए था उस टाइम नहीं हो पाया था, क्योंकि हमारा 12th में लॉकडाउन हो गया था। अच्छा से मतलब कि एक तो ऑनलाइन क्लास है, अच्छा से हुआ ही नहीं पाया, मतलब कि मैथ्स जो था ना मेरा थोड़ा वीक रह गया, जिस टाइप तैयारी उस टाइम हुआ ही नहीं तैयारी। अब जैसा भी आया, वो भगवान जानेंगे, हम तो जानते नहीं है। लेकिन कहां से आए? हम मैं बोकारो स्टेट सिटी से आया हूँ। बोकारो स्टेट सिटी, वी आर फ्रेंड्स। एक तरह से देखा था तो सही है, क्योंकि टाइम झूठा मतलब ज़्यादा स्पेंड हो जाता। ऐसे अभी एग्ज़ाम ले लिया, कुछ कोरोना का प्रोटेक्शन दिया गया था, जाने के लिए सब सुविधा दिया जा रहा था, कुछ गैप बना कर दिया जा रहा था, साथ ही यहाँ पे सब सैनिटाइज भी किया जा रहा था, और यहाँ पे जो प्रोटेक्शन दे रहा था ज़्यादा अच्छा से दिया जा रहा था, तो ये अच्छा ही है। यहाँ पे अंदर में देखा जाए तो यहाँ डिस्टेंस मेकिंग किया जा रहा है, और दूसरा कि यहाँ पे एक दूसरे को गैदर नहीं करने दिया जा रहा है। एग्ज़ाम को लेकर बेस्ट ज़्यादातर देखा कि 11th 12th को जो बेस्ट क्वेश्चन दिया था वही सभी चैप्टर्स को रिवाइज किया था, और वही से चैप्टर से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन उतना भी हार्ड नहीं था, क्वेश्चन सिंपल ही था और आसान था, जो पूरा रिवाइज किया वो अच्छा से बनाया था, वही जो पढ़ाई किया था जो चैप्टर 11th 12th का था वही सिर्फ आया था। देखिए वैसे तो हम इस फ्रंट चाह रहे थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि जैसे कि CBSE का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, जैक का भी हो गया अभी देखा जाए तो इसलिए हम लोग तो इस ट्राई में थे कि पोस्टपोन हो जाए, पर अंतिम तक NDA की तरफ से यही न्यूज़ आया कि पोस्टपोन नहीं होगा एग्ज़ाम, तो हमने सोचा कि चलो दे ही देते हैं और क्या। तैयारियां कैसे की थी आपने एग्ज़ाम को लेकर? तैयारियां ठीक थी, ज़्यादातर क्वेश्चन 9th 10th से ही आए थे, 11th 12th के कुछ क्वेश्चन थे, मतलब इजी क्वेश्चन थे, उतना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। अभी बाकी आगे वाला पेपर कैसा होगा ये हमें अभी उतना गारंटी। और कोरोना गाइडलाइंस को लेकर अंदर में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? अंदर व्यवस्था ठीक की गई है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग भी है, वैसे सैनिटाइजर बच्चे खुद लाए हैं, मास्क पहन रहे हैं। एक्चुअली बच्चे खुद यहाँ पर डर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार रांची में अभी माहौल है ऐसा लग रहा है सभी बच्चों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। ये छात्र बोल रहे हैं कि ये पोस्टपोन होनी चाहिए थी, लेकिन भी सरकार ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ये एग्ज़ाम लिया है। देखिए जिस तरह जैक का और CBSE का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, उस तरह जो NDA के जो कैंडिडेट है वो भी डिमांड किए थे कि ये भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट या झारखंड के अलावा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो वीकेंड कर्फ्यू लगा रखा है, उसमें जो आज के दिन होने वाले जो परीक्षाएँ हैं
इसको लेकर कोई खास निर्देश जारी नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ईपीएससी के जो ईपीएससी है वो हर एक स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी उससे बातचीत की और उससे कहा गया कि जो हम लोग एडमिट कार्ड है एडमिट कार्ड उसके थ्रू से मतलब कि हम लोग को कर्फ्यू में पास दिया जाए और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर अंदर क्या कुछ व्यवस्था है? अंदर जैसे हम लोग एडमिट कार्ड जो जितने निर्देश दिए हुए हैं कोरोना को लेकर वो सारे तमाम तैयारी पुख्ता हैं। सैनिटाइजर है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी खासा है, मास्क का भी अनिवार्य है और टीचर जो एंजुलेटर वो भी ग्लव्स लगाए हुए हैं, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं। मैंने तो इस बार मैंने फर्स्ट एग्जाम है और मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट कंपटीशन फेस कर रहा है, तो मैं 12th अपियरिंग हूँ, तो ऐसा तो खासा मैंने तैयारी नहीं की थी। फिर भी क्वेश्चन जो थे वो जो हम लोग 11th 12th पढ़ रहे हैं उसी लेवल पर क्वेश्चन है, मैक्सिमम 95% क्वेश्चन जो हम लोग का जो मतलब जो सिलेबस है उसी से क्वेश्चन आए, बस कुछ माइनर एक दो क्वेश्चन है हेड के जो वो हर एग्जाम में रहते ही हैं। आपको क्या लगता है रिजल्ट अच्छा होगा? बट देखिए नेक्स्ट टाइम तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैंने कुछ मैं अभी 12th पढ़ ही रहा हूँ, तो मैक्सिमम क्वेश्चन है 12th के हैं, तो मैंने बस कंपटीशन का जो एक्सपीरियंस है उसको बस जानने के लिए मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। अगर एक तरह से देखा जाए तो झारखंड गवर्नमेंट हाल ही फिलहाल में जैक बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल किया है, इससे भी अगर संक्रमण का तेज दौर अभी देख रहे हैं ज़्यादातर बढ़ रहा है, इसलिए इसे भी हमें हिसाब से कैंसिल करना चाहिए था। लेकिन अगर यह देखा जाए कि जो गाइडलाइंस की तरह यह तैयारी मतलब एग्ज़ाम लिया गया है वो भी सही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है और जो भी मतलब हुआ सही है। अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं थी कोरोना गाइडलाइंस को लेकर? अंदर समय मतलब गाइडलाइंस की हर गाइडलाइंस की मतलब तैयारी बखूबी की निभाया गया है, मतलब एंट्री के समय टेम्परेचर चेक होता है और सोशल डिस्टेंसिंग हर हम लोग का एक रूम में 5 से 6 बच्चे जो मतलब बैठे हुए हैं जो कि हर एक दो बेंच का गैप करके बैठाया हुआ है जो कि डिस्टेंसिंग का हमें बखूबी पालन हुआ है। तैयारी अगर इसे देखा जाए तो हम लोग तो मतलब ऐसा नहीं हुआ था, हम सोचे पोस्टपोन्ड हो जाएगा, लेकिन तैयारी जो भी था वो मिला जुला कर ठीक ही था। आपने पहली बार दिया यूपीएससी का? जी हमने पहली बार दिया। जैसे कि आप लोगों ने देखा और सुना, छात्रों का कहना है जो यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आए थे यूपीएससी एनडीए का एग्ज़ाम, उनका कहना है कि सरकार को जैसे उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा रद्द कर दी और इंटर की परीक्षा स्थगित कर दी है, तो इनका कहना है कि यूपीएससी एनडीए की परीक्षा भी स्थगित कर देनी चाहिए थी, पोस्टपोन कर देनी चाहिए थी। बाकी यहाँ कोरोना गाइडलाइन को लेकर अंदर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, सैनिटाइजर है। मैं बबीता भेंगरा अपने सहयोगी प्रीतम के साथ, देखते रहें झारखंड न्यूज़ 9।